नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने आप लोग बोल रखा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो इसमें हमें अभी एक राकेश जी है, उन्होंने कॉल किया था, राजकुमार, सॉरी राजकमल गोयल जी है, उन्होंने मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल किया, एक फाइल एक प्रॉब्लम उन्होंने साथ शेयर किया। हालांकि मुझे टाइम की कमी रह दी है, फिर भी मैं जो भी टाइम सैटरडे संडे किसी दिन मिलता है उसमें मैं आप लोगों की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि वो सम इफ जो है उनका, यहाँ एक मंथली क्रेडिट का सम चाहिए। तो उन्होंने सम इफ का फॉर्मूला पूछा, मैंने बोला सम इफ का फॉर्मूला बोला भी फिर वो समझ नहीं पाए कैसे लगेगा। तो चलिए बताते हैं कैसे लगेगा। अब उन्होंने मंथ का एक कॉलम यहाँ क्रिएट कर रखा है, लेकिन गलती क्या की इन्होंने कि गलती यहाँ किया कि मंथ को जस्ट लिंक कर दिया। अगर आप मंथ वाइज करते हैं फॉर्मूला ए, तो आप क्यों ना यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे टेक्स्ट का, और टेक्स्ट में यहाँ इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे दे दे डीडी, सॉरी एमएमएम 3 बार में कर दे और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दे। ठीक है, और फिर यहाँ जैसे कि उन्होंने बोला कि मुझे अगस्त का सेल चाहिए, तो यहाँ वो अगस्त लिखेंगे और यहाँ पे वो सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि इसमें वो मंथ में जाए और सिलेक्ट करे अगस्त को और सिलेक्ट करे क्राइटेरिया, मतलब कि जिसे सेव करना है, यहाँ पे टोटल अगस्त का आ जाएगा। लेकिन अगर वो एक मंथ नहीं ऐड करते हैं, वो मंथ को ऐड नहीं करते, वो डेट ही रखते हैं, फिर भी कैसे किया जाएगा? जैसे मैंने यहाँ पे अगस्त दिया और मुझे चाहिए इसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि ये साइलेंट है, ये हमारे पास नहीं है, हम अपने डेटा में किसी तरह का नहीं चाहते, तो बेसिकली इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा अतिक्रम करना पड़ेगा और सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा 1 डैश और सिलेक्ट करूंगा अगस्त को, मैं इक्को लगाना भूल गया, हाँ सिलेक्ट करूंगा अगस्त को एंड एन परसेंट के साथ मैं 2018 या ईयर जो भी है डाल देता हूँ, और साथ में यहीं पे मैं ईओ मंथ, मैं एंड ऑफ द मंथ को सिलेक्ट करूंगा और इस महीने की लास्ट डेट पता चल जाएगी। फिर मैं यहाँ पे फॉर्मा लगाऊंगा सम इफ्स का, सम इफ्स में मैं पहले क्रेडिट जिसको सम करना है उसका पाथ दूंगा, क्राइटेरिया 1 का पाथ दूंगा और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन के साथ कंबाइन करूंगा 1 अगस्त को, आई मीन कॉमा, इसको सिलेक्ट किया वापस और हमने लेस देन इक्वल टू एन परसेंट के साथ हमने 31 अगस्त को सिलेक्ट किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। बट इसमें इसमें 1 अगस्त 2018 से 31 अगस्त 2018 तक का सेल्स आया हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि यहाँ मैंने AUG अगस्त किया तो 83,546 आया और यहाँ मैंने किया ग्रेटर देन इक्वल टू N17 लेस देन इक्वल टू O17, तो रिजल्ट 42,044 आया। तो एक बार मैं देखता हूं कि क्या गलत कौन सही है, देखते 83,546 आया, राइट है, एकदम सही है। ये रिजल्ट क्यों गलत दिया? एच पाई एस में जाना है, बी में जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं किया है, गलती थी, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए 1 जनवरी को नहीं, 1 अगस्त को नहीं लिया था, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया तो ए ले लिया, तो छोटी सी गलती थी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाए। मैं इस फाइल को सेव एज करके उनको भेज देता हूँ, लेकिन राजकुमार राज गोयल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सेल को पहले अच्छे से सीख लें। यूट्यूब से आप एक्सेल को नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आप अगर
कहीं भी मुझसे नहीं किसी से भी एक्सेल पहले अच्छे से सीख ले, तभी आप काम करके आपसे बेहतर रहेगा। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आप वेबसाइट www.iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। एक दो क्लास डेमो लीजिए, अच्छा लगा तो आप एक आध दो महीने का टाइम देके एक्सेल को कंप्लीट बेसिक टू एडवांस सीख लीजिए, तो आपको काम करने में आसानी होगी। इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, कोई क्वेश्चन हो मुझे प्लीज भेजिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन पे आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, कितने सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। टेलीफोनिक सपोर्ट तो मैं सब किसी को तुरंत देता हूँ, लेकिन उसकी प्रॉब्लम पे मैं मेल या वीडियो के जरिए थोड़ा सा टाइम लेता हूँ देने के लिए। थैंक यू।